पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिछले कई दिनों से बारिश न होने की वजह से उज्जैन शहर में जल संकट खड़ा हो गया था, लेकिन उज्जैन में आज बारिश का दौर जारी है। वहीं आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी पर स्थित रामघाट जलमग्न हो गया। इसकी वजह से कई बड़े छोटे मंदिर आज पानी में डूब गए हैं। इसके साथ ही शिप्रा नदी के छोटे पुल पर पानी ऊपर बह रहा है। आपको बताते चलें कि इस साल में पहली बार शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई गांव पानी पानी हो गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, बारिश लगातार कहर बनकर बरस रही है।